बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम चेन एंड स्पॉटेड मैकेनिज्म की यूजिंग द चेन कंपोनेंट पैटर्न असेंबली करेंगे। इस पर्पस के लिए मेरे पास सबसे पहले तो असेंबली एनवायरनमेंट मैंने ओपन कर लिया है और अब मैं कंपोनेंट को ब्राउज करूँगा और सबसे पहले मैं जो पाथ है उसको ओपन कर लेता हूँ सॉलिडवर्क्स के एनवायरनमेंट में। और मैं यहाँ से मेरे पास जो व्यू ओरिजिन है की ऑप्शन है इसको मैं ओपन कर लूँगा और अब इस पाथ को मुझे इस पोजीशन पे प्लेस करना है। बट यू कैन सी कि मुझे यहाँ पे कोई भी पाथ शो नहीं हो रहा। द रीज़न इज कि यहाँ पे स्केच जो है वो हाइड है, तो मैं इसको शो करवा लेता हूँ। मेड श्योर कि जब आप इस ओरिजिन को क्लिक करेंगे तब आप जब प्लेस करेंगे अपने इस पार्ट को तो वो ऑटोमेटिकली इस ओरिजिन की पोजीशन पे जाके अलाइन हो जाएगा। ओके, सो पाथ जो है वो हमारा यहाँ पे बन चुका है। अब हम यहाँ पे जो रिमेनिंग कंपोनेंट है उनको इंपोर्ट कर लेते हैं। सो मैं यहाँ पे वन बाय वन जो रिमेनिंग 3 कंपोनेंट है उनको यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ। अब मुझे इन कंपोनेंट को असेंबल करना है इस पाथ के अलोन। सो मैं कंट्रोल की प्रेस करूँगा और इसकी 3 कॉपीज जो है कर लूँगा अपने स्पॉटेड की। और अब इस स्पॉटेड को मुझे अलाइन करना है इस पाथ के साथ, तो इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल की प्रेस करेंगे और इस एज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कंसेंट्रिक टर्मेट अप्लाई कर देंगे। देन मुझे यहाँ पे टेम्परेरी एक्सिस को ऑन करना है और मुझे इस पॉइंट को और इस टेम्परेरी एक्सिस को कोइंसिडेंट करना है। सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे रिमेनिंग पार्ट के लिए। कंसेंट्रिक करेंगे। ओके, सो लास्ट पार्ट रह गया मेरा, इसको भी सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल की प्रेस करेंगे और यहाँ से हम कंसेंट्रिक का मेट अप्लाई कर दिया। देन इन पॉइंट को आपस में कोइंसिडेंट कर देते हैं और ये वाले दो मेट जो हैं इसको हम एडिट कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे इन पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है तो अब यहाँ पे मुझे इन पॉइंट्स को आपस में कोइंसिडेंट करना है ऑलरेडी फिक्स पोजीशन पे है और ये भी। सो नाउ यू कैन सी कि मेरे तीनों जो स्पॉटेड्स हैं वो इस मेरे पाथ के अलोन इजीली मूव कर रहे हैं, ये फिट्स हो गया। सो यहाँ पे हमने एक कोइंसिडेंट का जो मेट है डिलीट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे अब आप देखिए हमने कोइंसिडेंट और कंसेंट्रिक की मेट की मदद से यहाँ पे 3 अपने स्पॉटेड्स को इस पाथ के अलोन मूव कर लिया है। नेक्स्ट अब मुझे यहाँ पे एक बेल्ट जो है वो रिक्वायर्ड है सो डैट के मैं अपने इन चेन्स को उसके साथ असेंबल कर सकूँ। सो मैं यहाँ पे असेंबली फीचर्स पे जाऊँगा और यहाँ पे बेल्ट चेन पे क्लिक करूँगा। देन वन बाय वन मैं इन सर्कुलर एजिस को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे देखिए मेरी जो बेल्ट है वो कंप्लीट, उसका प्रीव्यू मुझे शो हो रहा है, इसे मैं ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे अब आप देखें
मेरी बेल्ट जो है वो बन चुकी है, लेकिन मुझे इन एजेस को सिलेक्ट करना था क्योंकि इन एजेस के साथ मूवमेंट जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। सो इसको एडिट कर लेते हैं। मुझे इन एजेस को सिलेक्ट करना है क्योंकि जो मेरी चेन है वो इन गियर के साथ मूव करेगी, नॉट द इनर वन। ओके, अब एक कंप्लीट चेन जो है वो हमारी यहाँ पे बन चुकी है। अब एक ही मूवमेंट के साथ देखें आपके तीनों स्पॉटेड जो है वो रोटेट हो रहे हैं। ओके, सो अब सबसे पहले तो हम जो सबसे पहले जो पाथ इधर प्लेस किया था इसको यहाँ से हाइड कर लेते हैं क्योंकि अब हमें ये नहीं रिक्वायर्ड। रीबिल्ड कर लेते हैं। ओके, अब मुझे यहाँ पे इन चेन की इनर और आउटर वैल्यूज को इसके साथ कनेक्ट करना है। सो यहाँ पे हम जाएंगे चेन कंपोनेंट पैटर्न पे, इसकी टाइप जो है कनेक्टेड वाली वो सिलेक्ट करेंगे। चेन पाथ के लिए इस कंप्लीट सिलेक्शन मैनेजर पे क्लिक करके इस कंप्लीट लूप को सिलेक्ट कर लेते हैं। देन चेन ग्रुप के लिए आउटर स्पॉटेड सिलेक्ट करेंगे। देन हम यहाँ पे इनके इन एक्सिस को सिलेक्ट कर लेते हैं और अब यहाँ पे प्लेन जो है वो ऐड किया हुआ है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। देन चेन ग्रुप टू के लिए हम यहाँ से इनर स्पॉटेड को सिलेक्ट करेंगे और इसके एजेस सिलेक्ट कर लेते हैं। देन हमने इसका प्लेन सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे हम इसको फिल पाथ करते हैं। तो यहाँ पे देखें ये आपको इसका प्रीव्यू जो है वो शो हो रहा है। सो वन पार्ट यहाँ पे एक और ऐड हो रहा, 61 कर देते हैं इसको, इसको ओके कर देते हैं। और यहाँ से हम जो एक्सीज हैं और जो ओरिजिन पॉइंट्स हैं उनको डिसअपीयर कर देते हैं। यहाँ से बेल्ट एंड चेन को भी हाइड कर देते हैं, इस स्ट्रेच को आइसोमेट्रिक व्यू में डाल लेते हैं कन्वर्ट। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं चेन और स्पॉटेड की असम्बली जो है वो कंप्लीट हो गई है, बट चेन और स्पॉटेड जो है वो अभी आपस में कनेक्टेड नहीं हुई, वो अलग अलग बिहेव कर रही है। सो मुझे यहाँ पे मैकेनिकल मेट अप्लाई करना पड़ेगा। सो मैकेनिकल मेट के लिए मुझे यहाँ पे गियर का मेट जो है वो रिक्वायर्ड है। सो मैं यहाँ पे इनर स्पॉटेड को ट्रेस करता हूँ, वो ये है। ओके, ऐसा करते हैं यहाँ से इनर स्पॉटेड को देखने के लिए ओके। अब यहाँ से इस एज को सिलेक्ट करेंगे। ये मेरे पास इनर स्पॉटेड का फेस सिलेक्ट हो गया, इसको ओके कर देंगे। और अब यहाँ पे हम इस पैटर्न को 61 कर देते हैं। और यहाँ पे अब आप देखें जो चेन है और स्पॉटेड वो आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, सो ये मैं आउटर स्पॉटेड को फाइंड करता हूँ। डन। सो यहाँ पे हमने चेन और स्पॉटेड की असेंबली जो है वो कंप्लीट कर ली। अब हम यहाँ पे मोशन स्टडी जो है वो अप्लाई करते हैं। सो मैं सिंपल न्यू मोशन स्टडी पे जाऊँगा, यहाँ पे सेटिंग पे जाएंगे और इधर से बेसिक मोशन के अंदर हम यहाँ पे फ्रेम को लेट्स से 50 कर देते हैं और
इसको मैं ओटे कर देता हूँ। नेक्स्ट मुझे इसकी मोशन स्टडी करनी है 8 सेकेंड्स के लिए, और अब यहाँ पे मुझे मोटर ऐड करनी पड़ेगी, रोटेटरी मोटर होगी। इस फेस को सिलेक्ट करेंगे और इसके RPM जो है वो 50 कर देता हूँ मैं, ओके कर देंगे। और इसको आप कैलकुलेट कर लेते हैं, और ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, इट डिपेंड्स अपॉन द सिस्टम स्पेक्स टू। और ये यहाँ पे अब इसको कैलकुलेट कर रही है मोशन स्टडी। ओके, सो यहाँ पे मोशन स्टडी जो है वो कैलकुलेट हो चुकी है। अब हम इसको प्ले करते हैं और ये देखें। सो मॉडल व्यू में वापस आ जाते हैं जी। सो हमने यहाँ पे इस वीडियो ट्यूटोरियल में ये सीखा है कि हम किस तरह से चेन एंड स्पॉटेड की असेंबली को सॉलिड वर्ड्स के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं।